14.5 लाख वोट है, एक भी पर्ची बीजेपी को नहीं मिलेगी। राम सन के हचारों को तुरंत गिरफ्तार कराए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, यहाँ तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे हरियाणा के अंदर हर सचिवालय पर प्रदर्शन होगा वाल्मीकि समाज का, और तब तक अन्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़क पर उतरेगी। मेरा नाम कैलाश चंद्र। गिराज जी, आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे हैं? ये ऐसा था जी, 13/12/2022 को रामसन नामक गर्ल स्कूल में लगा हुआ था पर्दा, उसकी रात को ज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो असली कातिल थे आज तक नहीं पकड़ा। लेकिन हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति ने 16 तारीख को पुलिस प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेट दिया, 26 तारीख तक। लेकिन उसमें ऐसा हुआ, डीएसपी कैथल ने जो कि कातिलों को पकड़ाएगा उसको 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, लेकिन कातिल नहीं पकड़े। लेकिन मजबूरन हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति ने आज प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन, उसमें हमारी 3 शर्तें हैं। पहली तो रामसन के हचारों को तुरंत गिरफ्तार कराएं। दूसरा कि रामसन 2 पोस्ट पर काम करता था, स्वीपर कम चौकीदार, उसके 2 परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरा कि 50 लाख रुपए क्लेम दिया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, यहाँ तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे हरियाणा के अंदर हर सचिवालय पर प्रदर्शन होगा वाल्मीकि समाज का, और तब तक अन्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़क पर उतरेगी, चाहे चुनाव भी आ जाओ बीच में। हमारी वाल्मीकि समाज की एक और सुनो, 14.5 लाख वोट है, एक भी पर्ची बीजेपी को नहीं मिलेगी अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो। आपका मोनिका, आप परिजन क्या लगते हो जी? मैं पुत्र को। अच्छा जी, क्या कुछ मांगे जी आपके? हमारी मांग है जी, मेरे पिताजी है वो 2 नौकरी करते थे जी, उनको 2 नौकरी मिले और क्लेम मिले, और उनको हथियारों को पकड़ो और जी उनके कातिलों को पकड़ो। तो किसी पे शक भी है जी आपको? नहीं, तो कौन सी तारीख को हुआ था जी उनका? हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष हूँ रामेर रोहिड़ा। सर, हमारी जो हमारा राम शरण है, हमारी तो प्रशासन से और शासन से यही ख्वाहिश है भाई, जो भी हथियारों को पकड़ने में प्रशासन और शासन मदद करे, और प्रशासन से जो भी प्रधान जियों ने अपील करी है वो हमारी पूरी की जाए, मैं तो यही कहूँगा। और नहीं तो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन होगा, उसकी जिम्मेवारी कैथल प्रशासन की और हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी होगी।